टेक्नोलॉजी फॉर बायो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल नेशनल कॉलेज फॉर वीमेन माछीवाड़ा। अज मैं तुहाडे सामने जीत हरजीत की कहानी निमोदरता पढ़न लगी हाँ। उम्मीद है कि जीत हरजीत द्वारा लिखी एक कहानी निमो दा डर तुहानू जरूर पसंद आएगी। बेबे बापू आ गया, लिया बापू झोला देखा की लियांदा देखा मेरे लिए। नी कुड़िए तू पहला पानी लिया के फड़ा तेरे बापू नू, फिर देखी झोला। फसल वेच के आया जागर सिंह मंजे ते बैठ गया, चौंके च कम करती जल कौर कम विचाले छड़ के जागर सिंह दे पैंदी आ बैठी। उदास चेहरा देख के जल कौर नू ए समझन विच बहुती देर ना लगी कि इस वार भी फसल शाह दा हिसाब नक्की नहीं कर सकी। इस तो पहला कि जागर सिंह कुछ बोलदा, खुलदियां बुलियां दी रमस फड़ के जल कौर पहला ही बोल पई, इस वारी तां अपने पिंड नू संतां दे बोल होए ने कि हर घर की फसल बिना किसी कुदरती आफत दे सुखी संधी पूरी चढ़ेगी। संतां दे बोलां दा वास्ता दे के उसने ये गल कह तां दित्ती सी, पर उसने खुद नू भी ये महसूस नहीं होन दित्ता कि उन्हें ये झूठ बोलिया। की करती सिर दे साई नू धरवासा देना भी तो जरूरी सी, क्योंकि लालियां दे कर्जे का भार ना सहंदे होए नेड़े दे कई पिंडां विच्चों कई बंदे स्प्रेयां नू मूंह ला गए ते कईयां ने खेतां दे रुखां नू अपनी मौत दा गवाह बना लिया सी। नी निमो नी लिया टोकरे चो दो गंडे चो, लिया चटनी कुट दियां, तेरा बापू तड़के दा भुखा आया, बेबे मैं नहीं लिया। बापू केड़ा मेरे लिए कुछ लैके आया शहरों, बापू तू मेरी गल सुन के क्यों नहीं गया। मैं तेनू कहा सी कि शहरों मेरे लिए एक सूट अपने लिए कुर्ता चादरा ते परना ते नाले मेरे लिए केले भी लैके आवी, पर तू कुछ भी नहीं लैके आया। मैं अपनी सहेली मिंदो नू भी कह दिता सी कि मेरा बापू शहर गया है केले लैके आवेगा, आपां रल के खावांगे। सियानी उम्र वल वध रही निमो दे सवाल बापू नू दोषी ठहरा रहे सन। बेबस बैठा बापू जवाब विच कुछ भी ना कह सकन लई मजबूर सी। आखर गच होया मन अखियां नू रोण लई मजबूर कर गया। निमो नू बुक्कल विच लै के जागर सिंह ने रोना शुरू कर दिता। निमो बापू दियां अखां विच हंझू देख के घबरा गई ते एकदम सियाणियां गल्लां करन लगी। बापू तू चुप कर जा, मैं नहीं लैना कोई सूट, मैनू जिहड़ा मामी ने दिता सी मैं उही सिला लवांगी, नाले बापू तेरा भी तो कुर्ता चादरा ट्रंक विच पे है, बेबे दसदी सी मैनू, मैं उही कढ़वा देंगी, नाले मिंदो तो एवें बोलती रहती आ, मैं नहीं खाने केले कुले। निमो दे बोल बापू नू दिलासा दे गए ते निमो दे मासूम चेहरे की मासूमियत ने बापू दियां अखां विचले हंझू हल्के पा दिते। कुड़ी नू चौंके वल भेजती जल कौर जागर सिंह नू कहंदी, क्यों भैड़िया जवाकड़ी मूहरे मन भरदा हुंदा, न्याणा दिल ते ला लैंदा कई वार, सुख नाल अगली छमाही ते दिन फिर जाणगे, होर अपना किहड़ा रब नाल कोई वैर आ, चल चंगा रोटी लिया छेती मैनूं भुख लगी आ। जल कौर नू मंजे तो खड़ी होण लई बहाना दे के जागर सिंह किन्नी ही देर पासा वट के रोंदा रहा। तिन्हां ने रोटी खाधी ते सौण लगे गल्लां करन लगे। जल कौर ने जागर दा उदास मन बदलन लई नवीं गल छेड़ दित्ती, मैं सुनिया जग्गे क्या नू मोटर दा कनैक्शन निकल आया। आहो निकलिया, पर ओह करनगे की विचारे, 2 लख लगनगे मोटर लवाउण ते, ते उत्तों अपने वांग उहनां दे वी शाह दे पैसे सिर ने टुट्टे ने इस वार। लै दस मोटर तां जरूरी आ, उह तां लवाउणी ही है, इस विच की है, लाला होर पैसे दे दूगा। ये कह के जल कौर ने जग्गे की वकालत कर दिती। आहो लाला कहिंदा सी वी समा माड़ा आ गया, जिन्हां जिमीदारां सिर लख तो ज़्यादा करजा आ उन्हां दे खाली कागज़ ते अंगूठे लवा के रखिया करांगे, ये तां फाहे लै के मर जांदे ने, पिछों साडे पैसे डुब जांदे आ। गल उस पासे नूं आउंदी वेख जल कौर ने फिर गल बदलन की कोशिश की, कल मस्से आया गुरद्वारे जावांगे, नाले मत्था टेक आवांगे, नाले अगों चंगी फसल निकलन ते 1000 इट दान करन दी सुख सुख आवांगे। सवेर होई जल कौर की पाठी ते बोलन नाल अख खुली ते देखिया तां जागर सिंह अपने मंजे ते नहीं सी। निमो दे बापू, निमो दे बापू हाका मारदी ने मिंट विच संग सपा लिया।
जागर सिंह तूड़ी का टोकरा भरी तूड़ी वाले कोठे चो निकल आया। की करते सी तुसी? कुछ नहीं, मैं तो तूड़ी पा रहा सी डंगरां नू, सोचिया सन्नी कर दिया। जागर सिंह नू अखा सामने देख के चल पार नू सुख का सा आया। अगली फसल भी आ गई, कढ के मंडी विच सुट्टी ते वेख भी गई। हुण लाले का हिसाब करन शहर जाना सी। बापू मैं भी शहर जाना तेरे नाल, मैं पैसे जोड़ के रखे ने, शहरों कोई चीज़ लैके आनी आ। निम्मो ने शहर जाते बापू नू घेर लिया। नहीं नहीं, तू तेरे बापू नू पैसे फड़ा दे, पैसे ओल पै तू नहीं नहीं तू बापू नू पैसे फड़ा दे, वो लिया दूगा तेनू, दस उन्हू की लैके आना। माँ की यह गल सुन के निम्मो का चेहरा उदास हो गया। क्यों रोक दी है जवाकड़ी? निम्मो के उदास चेहरे नू देख के जागर सिंह ने कुड़ी नू नाल लैके जाण की हामी भर दिती। चल पुत चली गए। सुन के निम्मो के चेहरे ते अजीब जी खुशी आ गई। शहर जाने लई बापू नाल बस विच बैठी निम्मो सारे राह बापू लई लैण वाले कुर्ते चादरे ते परने दा रंग सोचती रही। बस उतरदे सार ही बोली, बापू पहलां आपां कपड़िया वाली दुकान ते चलना है, मैं तुहाडे लई कुर्ता चादरा लैणा है। ना पुत मैं नहीं लैणा, तू अपने लई लै लई। नहीं बापू बन के, ये पैसे मैं तेरे कुर्ते चादरे लई जोड़े हन, मैनू बड़ी खुशी मिलूगी जदों अपने जोड़े हुए पैसों नाल तेनू कुर्ता चादरा लैके देवांगी। हुण तू दस अपनी कुड़ी नू खुश देखना चाहुंदा है कि नहीं? निम्मो दी खुशी अगे बापू हार गया ते ओ कपड़िया दी दुकाना ते कपड़े देखन लगे। कई दुकाना ते कपड़ा देखने बाद भी निम्मो नू कपड़ा पसंद ना आया। जागर सिंह थोड़े सख्त लहजे विच निम्मो नू कहन लगा, पुत आखिर कहो जिहा कपड़ा लैके देना तू मैनू जेड़ा तेरे इन्निया दुकाना देखने तो बाद भी पसंद नहीं आया? तू बापू बस अगली दुकान पे होर लै चल, मैं अपने आप दुकानदार नू समझा देंगी मैनू किस तरह का कपड़ा चाहिए। चल चंगा, लै भाई सेठा मेरी कुड़ी नू कपड़ा पसंद नहीं आ रहा, तू इस दी पसंद सुन के इसनू कपड़ा दिखा। हर दुकान की तरह निम्मो ने इत्थे भी कुर्ता ते चादरा तो पसंद कर लै, पर गल परने ते आके अड़ गई। बहुत तरह का कपड़ा दिखाउण तो बाद भी जो निम्मो नू कुछ पसंद ना आया तो जागर सिंह पानी पीन उठ खड़ा होया। जागर सिंह दे परा हुंदे ही दुकानदार ने निम्मो नंश सख्त जे लहजे च पुछया, तेनू भाई कुड़िए कहो जिहा कपड़ा चाहिए, नाले तू परने दे हर कपड़े नू खिच खिच के की देखदी है? तो निम्मो ने थोड़े दबवी जिही आवाज़ च कहा, असी जिमीदार हैं, मेरे बापू सिर शाह का कर्जा बहुत है, वो हर साल की फसल विकन नाल भी सिरों नहीं लै रहा। मैं खिच खिच के ये देखती हाँ कि जो कपड़ा मैं बापू नू लैके देवा वो इन्ना मुलायम होवे कि जे कदे मेरा बापू कर्जे का सताया फाहा लैन लई इस परने नू गल पावे तो यह परना फट जावे, ये मेरा दिता परना मेरे बापू का कातल ना बन सके। निम्मो की गल सुन दुकानदार दियां अखां विच पानी सिम आया। जदों जागर सिंह पानी पी के निम्मो कोल वापस आया तो दुकानदार अखां पूंजदा उठ के अंदर चला गया। धन्यवाद। चौहान इंटरटेनमेंट तुहाडा अपना तुहाडे लई।